हमेशा खुश मिजाज रहती हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं अभी यहाँ डिपार्टमेंट से फिर से आ चुका हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये यादें मेमोरी बननी चाहिए, तो इस वजह से मैं देख सकते हैं अब मैं डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ और पीछे स्टूडेंट्स का सारा का हुजूम है, मेरे फ्रेंड्स हैं। और मैं यहाँ पे ब्लॉग इसलिए भी बनाया क्योंकि सबकी इच्छा थी कि इस ब्लॉग में आ जाए और सब अपनी यादें कुछ छोड़ सके, कुछ कुछ शेयर भी करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स जो ये कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट बंटवारा होगा उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो मैं सबको शामिल करता हूँ इस ब्लॉग में। और मेरे दोस्त कुछ इंट्रो देंगे, देख सकते हैं मेरे ये सब 2 साल के फ्रेंड्स रहे, मेरे क्लासमेट्स रहे हैं, और सब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ अपने सर्टिफिकेट बंटवारा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और पीछे देखिए जो हमेशा खुश मिजाज रहती हैं, जो और पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सब इंट्रो देंगे अपने बारे में। यहाँ देखिए ये शावन सर हैं, ये पीछे महिमा जी और प्रियंका एंड प्रीतम जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर करण एंड नीलेश सर एंड अर्णव कश्यप सर एंड रुपेश सर। देख सकते हैं सभी यहाँ पे अब लास्ट जाने का इंतजार कर रहे थे, सब बातचीत भी कर रहे हैं। कोई अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल बिताए आप इस डिपार्टमेंट में, आपको कैसा फील हो रहा है मिस्टर अर्णव सर? देखिए, बहुत ही लंबा वक्त बीता है इस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन BNMU में, और फाइनली आज हम लोगों का इंटरनल ख़त्म हो गया सेकेंड ईयर का, तो बहुत ही अच्छा समय बीता। अब तो फिर यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ही आना होगा, लेकिन इन बीच आप जैसे लोगों से दोस्ती हुई और एक अच्छा मीठा सफ़र बीता आप लोगों के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यहाँ देखिए मेरे दोस्त एक हैं, ये अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे और इस डिपार्टमेंट की यादों के बारे में कहना चाहेंगे। देखिए, मेरा अनुभव यहाँ BNMU में बहुत अच्छा रहा। मैं किशनगंज से आया हुआ हूँ और यहाँ मैंने 2 साल का BEd कोर्स पूरा किया, 1 साल तो कोरोना में ही बीत गया, दूसरे साल हम लोग यहाँ आए और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ इंटर्नशिप के दौरान भी बहुत कुछ सीखने को मिला और यहाँ प्रशिक्षण भी अच्छी तरह से हुई। आज हम लोग का लास्ट डे है और हम लोग सोच रहे हैं कि सब आपस में मिलजुल करके आगे भविष्य की रणनीतियों को, जैसा भी रहेगा, जो भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे के लिए है ना सम्मान का भाव रखेंगे, और कहीं ना कहीं लाइफ में सेट होंगे तो जरूर सबसे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। और ये पल जो है, जो हम लोग का बीता 2 साल का, 1 साल नहीं कह सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और ये हमारे ज़िंदगी का एक यादगार पल रहा है ना। हम लोग अब ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा या नहीं पता नहीं, फिर देखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहा BNMU में। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ये सामने आप देख रहे हो कि ये हमारे सर जो काफ़ी प्रेरणादायी सर हैं, ये अपने बारे में भी कुछ दो सब अपने शब्दों में कह सकते हैं सर आप। हेलो गाइज, आज हम लोगों का लास्ट वर्किंग डे है क्लास इस कॉलेज में। बेहतरीन अनुभव, अच्छे सहपाठी साथ में मिले, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं एक स्पेशल दोस्त से मिलाना चाहूँगा, एक परफेक्ट मीमर कह सकते हैं इसको, मास्टर करण। आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपने नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मास्टर करण, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मुझे आज भी पहला दिन याद है जब मैं पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। काफ़ी ठंड का मौसम था, दिसंबर का महीना था, और ठंड से कपकपाते हुए रात देखे जब हम इस कॉलेज से निकल रहे हैं, गर्मी से बेहाल, पसीने से तरबतर, ये हमें यही बता रहा है कि जीवन परिवर्तन है। इससे पहले हम कहीं और थे, अभी कहीं और हैं, कल कहीं और होंगे, जीवन बदलते रहेगा, नए दोस्त मिलेंगे, कुछ दोस्त छूट जाएंगे, कुछ हो सकता है कुछ दोस्त जो आगे के समय में वर्षों तक हमारे साथ रहे, कहीं ना कहीं व्यवहार रूप से उनका ऐसा बन चुका है जो आज कल हम लोग फिर मिलते रहेंगे, फ़ोन पर अनेक संभावना है हम लोगों को मिलने की। तो यही कहूँगा, सब लोग जहाँ हैं वहीं रहें, खुश रहें, लॉकडाउन नहीं है अभी, खूब मिलिए, खूब जुलिए एक दूसरे से। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। तो सभी दोस्त से मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो सभी ने अपना इंट्रो दिया, तो आप देख सकते हैं मैं अब जा रहा हूँ, आखिरी दिन था तो ये यादें हमेशा रहेंगी। मैं इससे पहले भी ब्लॉग किया था डिपार्टमेंट का, आज सारे दोस्त थे तो मैं सोचा अच्छे से ब्लॉग कर ही लूँ। और ये देखिए गार्डन का, बहुत सारे मित्र छूट गए थे तो इस मित्र से मैं इंट्रो कराना चाहूँगा। ये देखिए,
ये मेरे जो बैचमेट है ये भी हमारे बैचमेट है, तो आपको दो साल इस कॉलेज में बीतते, तो कैसा अनुभव फील हो रहा है आपका दो साल का शेयर? क्योंकि आखिरी दिन है, अब मुलाकात हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले, लेकिन वास्तविक मुलाकात होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। तो आपका फीलिंग्स भी शानदार रहा, तो ये अपने घर की ओर जा रहे हैं, मैं भी अपने बस पकड़ने के लिए निकल रहा हूँ, तो थैंक यू। हम लोग का सेशन खत्म हो चुका है, आगे अब जो होगा हम लोग देखेंगे, साथ में हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जो होगा हम लोग साथ में करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू। चलिए फिर हम लोग ई रिक्शा पे बैठ के सवार होके चलते हैं भाई। तो हमरा छोड़ दे लो। ई रिक्शा पे सवार हो चुके हैं और जा रहे हैं सहरसा, जाएंगे बस।